बच्चे करते हैं खाने में आनाकानी कि उन्हें चपातियां पसंद नहीं है, तो इस तरह से अगर आप उन्हें चपातियां, वही चपाती अगर सुंदर डिजाइन में बना बना कर अपने बच्चों को देंगे तो वो बहुत खुश होकर ये चपातियां खाएंगे। तो यहाँ जो हमारा आटा गूंदा हुआ है वो भी सिंपल गेहूं का आटा नहीं है, हमने इसमें आटे में मिक्स किए हैं 5 तरह के आटे। आपके पास जिस जिस टाइप के आटे हैं आप वो सारे मिक्स करके अपने बच्चे को उसकी चपातियां खिलाएं। तो यहाँ मैंने लिए थे 3 पेड़े, एक छोटा, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा। तीनों की मैंने चपातियां बेली हैं। अब बेलने के बाद क्या करते हैं चलो देखते हैं इस वीडियो में। बड़े पेड़े से जो छोटा पेड़ा है मैं उसको उठाऊंगी और उठाने के बाद उसको हम कट करेंगे, उसकी अलग डिजाइन देंगे। डिजाइन देंगे उसको एक फ्लावर की तरह, उसको जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आप वीडियो में देखेंगे हम किस तरह से फोल्ड करें, उस तरह से आपको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसको फोल्ड करना है। उसे प्रेस करके उसे फोल्ड नहीं करना है वरना वो खुलेगी नहीं डिजाइन। तो यहाँ अच्छे से फोल्ड करें प्यार से और इसको कर देते हैं क्रॉस कट। क्रॉस कट करने के बाद हमें चपाती की जो डिजाइन मिलेगी वो एक फ्लावर की डिजाइन होगी। तो यहाँ अगर आपके बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं तो इस तरह से अगर आप बना के खिलाएंगे उन्हें तो वो पक्का खाएंगे, आपकी टेंशन भी खत्म और बच्चे भी खुश। तो यहाँ मैं क्रॉस कट कर रही हूँ। क्रॉस कट करने के बाद अब आपको खोल कर दिखाऊंगी डिजाइन एक्चुअली में कैसे निकलती है। तो काफी लेडीजों की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, चपाती देते चपाती नहीं खाते हैं, उन्हें स्नैक्स चाहिए, पिज्जा चाहिए और बर्गर चाहिए, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं एक तरह की चपाती देख देख कर। अगर आपको इसी तरह की नई नई डिजाइन की चपातियां चाहिए, पराठे चाहिए, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ आप दूसरी चपाती को भी मैं कट कर रही थी लेकिन ये मेरे से ओपन नहीं हुआ तो मैंने इसको सिंपल ही छोड़ दिया था। दोनों कट की थी मैंने पहले लेकिन मेरे से एक ओपन हुई थी एक ओपन नहीं हुई थी, मुझे लगता है मैंने टाइट हाथों से उसे प्रेस किया था। तो कुछ इस तरह से ये ओपन करने के बाद दिखी मुझे। तो यहाँ जो पहली चपाती है बड़ी चपाती, उस पर मैंने लगाया थोड़ा सा पानी। पानी लगाने के बाद इस पर जो सेकंड चपाती को हमने फ्लावर शेप में कट किया था इसको उसके ऊपर रख के थोड़ा प्रेस करके तब इसमें हम कली बनाएंगे। तो इस तरह से जो तीसरी चपाती है वो भी इसके ऊपर रखें। इसके ऊपर रखने के बाद आप उसमें डिजाइन दें, डिजाइन को और थोड़ा प्रेस करें, चिमटे की हेल्प से आप इसको प्रेस करेंगे ताकि आपकी जो चपाती है वो सेकने पर ये खुले ना, इसकी जो लेयर्स है वो खुले ना। तो यहाँ कैसे सेकेंगे, अब सेकने की ट्रिक देखिए। चपाती के एक तरफ लगाया है हमने पानी ताकि ये तवे से चिपक सके। अब जैसे हम नान बनाते हैं उस तरह से हम चपाती को सेकेंगे, बड़े स्लो और बहुत टाइम लग जाता है इसको सेकने में, लेकिन आपको सेकना ऐसे है जिससे कि कच्चा ना रहे। तो मैं यहाँ थोड़ी देर सेकने के बाद इसको कर देती हूँ कवर। कवर करने से क्या होगा, चपाती अंदर से अच्छे से पक जाएगी। अब इसको फिर से हम सेकते हैं तवे पर उल्टा करके। तो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से मेरी उल्टी साइड से भी चपाती काफी अच्छे से एंड क्रिस्प सिक चुकी है। तो अब इसको हम उतार लेते हैं तवे से, फिर इसको डायरेक्ट गैस पर एक बार और सेके। इसमें लगा देते हैं हम बटर, और अगर आपके बच्चे चिली फ्लेक्स, बटर, ऑरिगेनो ये सब भी आप डालकर देना चाहें इसे और टेस्टी बनाने के लिए तो इस पर आप वो भी डाल सकते हैं, आपके बच्चे और भी अच्छे से खाएंगे। तो मेरी जो चपाती है वो तैयार है, यहाँ मैं डाल। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी चपाती बच्चों को खिलाने के लिए, आप भी बनाइए एंड बच्चों को खिलाइए। तो आई एम श्योर आपके बच्चे खुश होकर ये 5 तरह के आटे के मिक्स आटे से आपकी जो बनी हुई ये सुंदर सी चपाती इसे ज़रूर पसंद करेंगे। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर सी और अच्छी सी एंड सिंपल सी चपाती डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।